Hello everyone and welcome to our new video. In this video we are going to discuss another problem from today's LeetCode contest, and the problem is problem number 2280, minimum lines to represent a line chart. तो इस प्रॉब्लम में हमसे क्या कहा गया है? इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि हमें गिवेन एक होगा एक 2D इंटीजर अरे स्टॉक प्राइजेस, ठीक है, जहां पे स्टॉक प्राइजेस ऑफ आई में दो ही एलिमेंट होंगे, क्या डे ऑफ आई और प्राइस ऑफ आई, ठीक है। ये क्या बताता है? प्राइस ऑफ स्टे स्टॉक ऑन डे आई क्या होगा? प्राइस आई होगा, ठीक है। हमें क्या बनाना है? हमें इसे लाइन चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? लाइन चार्ट, जहां पर एक्स एक्सिस में क्या होगा? एक्स एक्सिस में होगा डे, और वाई एक्सिस में क्या होने वाला है? वाई एक्सिस में होगा प्राइस, ठीक है। और हमें क्या करना है? एडजेसेंट पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। यह हमसे क्वेश्चन में सिंपल बोला गया है। अब देखते हैं हमें बताना क्या, हमें बताना है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस लगेंगी जो कि लाइन चार्ट बनाने में यूज होने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली सभी ने लॉजिक तो फिगर आउट कर लिया था, बट हाँ एक जगह पे फंस रहे थे, एक दो टेस्ट केस जो हिडन टेस्ट केस थे। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या गिवेन होगा? यहाँ पे जैसे हमको ये गिवेन है, क्या स्टॉक प्राइजेस, ये हमको क्या गिवेन है? एक 2D इंटीजर अरे गिवेन है। तो जैसे 1 पे 7, तो हम 1 पे जाएंगे 7 प्लॉट करेंगे, 2 पे 6 तो 2 पे 6, 3 पे 5 तो 3 पे 5, 4 पे 4 तो 4 पे आएंगे और 4 पे आके प्लॉट करेंगे, 5 पे 4 तो 5 पे 4, ये ऑलरेडी हमारे लिए ग्राफ, 6 पे 3, 7 पे 2, 8 पे 1, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमको कितनी लाइन लग रही है? अगर तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ही लाइन लग रही है, हमको दूसरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी लाइन लग रही है 2, और यहाँ पे कितनी लाइन लग रही है? यहाँ पे एक तीसरी लाइन लग रही है। तो इस केस में आंसर क्या हो गया? 3। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको ये गिवेन है, हमको ये कुछ कुछ वैल्यूज गिवेन है, क्या 3 पे 4, 1 पे 2, 7 पे 8, 2 पे 3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे हमको काफी सिंपली इनको प्लॉट करना है, और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कितनी लाइन मिलेगी हमको? हमको एक ही लाइन मिलेगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? अब अगर ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सोचे, हमको यहाँ पे एक लाइन बोली गई। लाइन क्या बोली गई है? ऑल डे आई आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है? एक दिन में दो प्राइस तो हो नहीं सकते, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें वो तो हमको भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी हम सिंपली यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एडजेसेंट पॉइंट को एक साथ रख सकते हैं, मतलब जैसे हमको ये गिवन है, क्या 3 4 1 2 7 8 2 3, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 2 आएगा, ठीक है, 1 2 एक साथ आएगा, उसके बाद क्या आने वाला है? 1 2 के बाद आएगा 2 3, इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है 3 4, और इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है 7 8। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही हमको ये चारों पॉइंट मिले, हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बनने वाली है, हाँ कि ना? ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगी। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट से मिला के एक लाइन बनेगी। अगर ये दोनों लाइन की स्लोप जो है, ये दोनों लाइन की स्लोप जो है, ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक ही लाइन बनाएंगे, इनको दो काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही लाइन बनाएंगे। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट से एक स्लोप लाइन मिली, ये दोनों पॉइंट से एक और लाइन मिलेगी। अगर ये दोनों पॉइंट से हमको लाइंस मिली, ध्यान से देखो, तो अगर इन दोनों की स्लोप हमारी इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा? हमको एक ही पॉइंट मिलने वाला है। तो काफी सिंपल सा गेम था इस प्रॉब्लम में। हमें क्या करना था? इस एरे को सॉर्ट करना था, जो भी हमको गिवन था 2D इंटीजर एरे को, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना था? उसके बाद इसको सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों के स्लोप को कंपेयर करेंगे इन दोनों के स्लोप से, ठीक है। तो बेसिकली जब हम थर्ड पे आएंगे तो हम थर्ड और सेकेंड और सेकेंड और फर्स्ट के स्लोप को कंपेयर कर, जब हम फोर्थ में आएंगे तो फोर्थ और फर्स्ट, सॉरी फोर्थ और थर्ड, थर्ड और सेकेंड के फ्लोर स्लोप को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जब हम फर्स्ट में रहेंगे तो एक लाइन तो मिनिमम लगना ही है, भले ही कुछ भी हो जाए, एक लाइन तो लगना ही है। तो हम क्या करेंगे? काफी सिंपल सा लॉजिक था कि हम यहाँ पे अपने इसको सॉर्ट करेंगे, जो भी हमें 2D अरे गिवेन है उसको सॉर्ट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? उसको सॉर्ट करने के बाद हम काफी सिंपली स्लोप्स को कंपेयर करेंगे और अपना आंसर पा जाएंगे। तो बेसिकली स्लोप्स होता क्या है? स्लोप ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? ये होता है y2 - y1। y2 होगा बेसिकली, अगर x1 और x2 दो पॉइंट है, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, ये हमारे दो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, और दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाइन बनेगी, तो इसकी स्लोप क्या होगी?
वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्लोप्स निकालेंगे और स्लोप को कंपेयर करेंगे। और आज मोस्टली गलत क्यों हुआ है सभी लोगों का, मैं भी गलत था। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वन को अगर हम किसमें डबल या फिर फ्लोट में स्टोर करते हैं, डबल या फिर फ्लोट में, तो ये एक्चुअली में डबल और फ्लोट जो होते हैं ना हमारे, ये उतना प्रिसाइजली नहीं स्टोर करते हैं। ये एटमोस्ट 7-8 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसाइजली स्टोर करते हैं, एटमोस्ट 10 तक स्टोर करते हैं। बट इन इसमें कुछ टेस्ट केसेस ऐसे थे जिसमें उसको एक्यूरेट बिल्कुल प्रिसीजन चाहिए था। तो हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली कंपेयर कर रहे थे, अगर एक पहला पॉइंट है ए वन बी वन, दूसरा पॉइंट है ए टू बी टू और तीसरा पॉइंट है ए थ्री बी थ्री, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों की स्लोप को इन दोनों की स्लोप से कंपेयर कर रहे थे। तो अगर हम इन दोनों की स्लोप निकाले तो क्या मिलेगा, बी टू माइनस बी वन ठीक है अपॉन ए टू माइनस ए वन ठीक है, सॉरी बी थ्री माइनस बी टू अपॉन ए थ्री माइनस ए टू, ये हमारी स्लोप आएगी इन दोनों लाइन की। इसको किससे हम कंपेयर कर रहे थे, इसको बेसिकली कंपेयर कर रहे थे इन दोनों से, यानी ए टू माइनस बी टू माइनस बी वन अपॉन ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके डेसिमल में स्टोर करने की जगह क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या चेक कर सकते हैं, क्या हमारा बी थ्री माइनस बी टू इंटू ए टू माइनस ए वन जो है ये हमारा इक्वल आ रहा है किसके, ए थ्री माइनस ए टू इंटू जो भी था हमारा बी टू माइनस बी वन। तो यही काफी मेजर मिस्टेक थी, अगर ये इक्वल आ रहा है तो हमारी सेम लाइन पे आएगा वरना नहीं आएगा ठीक है। ये था हमारा सिंपल सा अप्रोच। तो हम क्या करने वाले, इनिशियली एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट, जो कि काउंट रखेगा नंबर ऑफ लाइन, और इन दोनों पॉइंट के लिए नंबर ऑफ लाइन क्या होगी, वन। अब हम चालू करेंगे कौन से पॉइंट से, सेकेंड पॉइंट से। तो हम कहाँ से आइटरेट करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू टू आई लेस देन कहाँ तक, एन तक आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है क्या, अगर हम निकालते इन क्या, हमको चेक क्या करना है, हमको अगर हम यहाँ पे स्टोर कर लेते क्या, इंट जो भी हमारा एक्स वन है ठीक है, एक्स वन क्या होगा, अगर हम पहले पॉइंट को लेते हैं एक्स वन एक्स वाई वन, दूसरे को एक्स टू वाई टू और तीसरे को एक्स थ्री वाई थ्री। तो अगर हम सेकेंड से चालू कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, माइनस टू पे, जैसे अगर ये टू है तो ये वन जीरो, तो देख रहे टू माइनस टू पे। तो एक्स वन जो हमारा होगा वो कहाँ से मिलेगा, बेसिकली स्टॉक प्राइजेस, इसको अभी एसपी लिख देता हूँ, एसपी ऑफ आई माइनस टू, एसपी ऑफ आई माइनस टू। जैसे अगर मैं इसको सॉर्ट करके लिखूंगा तो क्या मिलेगा, वन टू ठीक है, टू थ्री, थ्री फोर और उसके बाद नेक्स्ट क्या मिल रहा है, सेवन एट। तो अगर ध्यान से देखोगे तो वन और टू के लिए तो कंपेयर करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके लिए एक लाइन हमने ऑलरेडी ले चुकी है। जब थ्री के लिए, इस पॉइंट के लिए देखोगे तो इसके लिए हमको ये चाहिए, तो टू के लिए हमको जीरो चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली टू माइनस टू, दैट इज एस पी ऑफ आई माइनस टू, और एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा, इसका जीरो, एस पी ऑफ आई माइनस टू से, ऑफ जीरो से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स वन। सिमिलरली अगर हमको वाई वन चाहिए तो कैसे मिलेगा, स्टॉक प्राइजेस ऑफ आई माइनस टू का वन ठीक है। सिमिलरली अगर हमको क्या चाहिए, एक्स टू चाहिए, तो एक्स टू के लिए हम स्टॉक प्राइजेस ऑफ आई माइनस टू नहीं, आई माइनस वन करेंगे और इसका जीरो। सिमिलरली वाई टू के लिए क्या करेंगे, स्टॉक प्राइजेस ऑफ आई माइनस वन का वन ठीक है। नेक्स्ट अगर हमको क्या चाहिए, एक्स थ्री, एक्स थ्री का स्टॉक प्राइस हम लेने के लिए क्या करेंगे, एस थ्री हमारा करेंट एलिमेंट होगा, तो एस थ्री ऑफ आई का हो जाएगा जीरो, और हमारा जो वाई थ्री होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा स्टॉक प्राइस ऑफ आई का वन ठीक है। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमने अभी फिगर आउट किया था, हमको कौन सी कंडीशन चेक करनी है, अगर हम उस कंडीशन को फिर से लिखते हैं, कंडीशन क्या थी हमारी, हमको चेक करना था एक्स सॉरी वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब अगर यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या चेक करना था, वाई थ्री माइनस वाई टू ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स टू माइनस एक्स वन से ठीक है। उससे पहले अगर ध्यान से देखो, ये सभी हमने इंट में लिए हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन इंट में जाएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को किस में ले लेंगे, इन सभी वेरिएबल्स को हम ले लेंगे जो भी हमारा लॉन्ग होगा। तो ये भी लॉन्ग होगा, ये भी लॉन्ग होगा, ये भी लॉन्ग होगा, ये भी लॉन्ग होगा, ये भी लॉन्ग होगा और ये भी लॉन्ग होगा ठीक है। अब एक्स वाई थ्री माइनस वाई टू इंटू एक्स टू माइनस सॉरी वाई थ्री माइनस वाई टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन से। इसको किसके इक्वल चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे
y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ये वाला टर्म लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें x3 माइनस x2 से। अगर ये इक्वल आ जाता है तो क्या होगा, हमारी सेम लाइन होगी तो हम काउंट प्लस प्लस नहीं करेंगे, मतलब हमारी सेम ही लाइन कंटिन्यू हो रही है। और अगर हमको स्लोप डिफरेंट मिलती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ये और उसके बाद ये, तो होगा क्या, इसके लिए यहां से हम चालू करेंगे, इनके लिए स्लोप सेम है, इनके लिए स्लोप सेम है, बट यहाँ पे स्लोप डिफरेंट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक नई लाइन आ रही है, तो स्लोप डिफरेंट मिलती तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम चीज चेक करेंगे क्या, इफ अगर हमारा y3 माइनस y2 इंटू x2 माइनस x1 जो है, ठीक है, अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है किसके, y2 माइनस y1, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल वाला केस ले लेते हैं क्योंकि तभी हमको काउंट करना है, इक्वल टू में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 जो बेसिकली है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 माइनस x2 के, अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे काउंट, तो ठीक है, ये हमारा रिटर्न होगा बेसिकली फॉर लूप के बाहर। तो अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, बेसिकली इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग कितना टाइम लेगा, सॉर्टिंग लेगा बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। वही अगर हम देखें एक फॉर लूप चला रहे हैं 2 से n, तो ये लेगा बिग ओ ऑफ एन, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। वही अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ 1। तो चलिए चलते हैं एडिटर के ऊपर और इसका कोड लिखते हैं। आ चुके हम अपने एडिटर के ऊपर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एरे की साइज निकाल लेते हैं। तो इसकी साइज कैसे मिलेगी, arr.size करके, ठीक है। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, स्टॉक प्राइस से arr कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही हमारा ये होता है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस एरे को सॉर्ट करेंगे। बिना सॉर्ट किए अगर हम सेम चीज करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट स्लोप्स मिल जाएगी, इसीलिए हमको सॉर्ट करना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट्स जो होंगे हमारे बेसिकली ग्राफ में, अगर हम इसको ध्यान से सोचे तो पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, इस प्रकार से। तो हमें इसके और इस पॉइंट के ग्राफ अगर कुछ इस प्रकार से होता तो इसके स्लोप को तो निकालने की जरूरत ही नहीं ना, हमको स्लोप हमेशा एडजेसेंट की निकालनी है, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान से देखो, अगर एग्जाम्पल ये होता तो अगर ये दोनों की स्लोप सेम भी है तो बेसिकली हमको लाइन तो डिफरेंट लग रही ना, तो हमको इसलिए वो चीज देखनी है ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे। तो इसको सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के लिए क्या होगा, सॉर्ट करेंगे arr.begin, ठीक है, arr.begin कॉमा arr.end, ठीक है, ये भी सही था। नेक्स्ट, जैसे ही ये हमारा होता है हम क्या करने वाले हैं, हम एक काउंट इज इक्वल टू 1 वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि इनिशियली एक लाइन तो लगनी है, तो हम एक लाइन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको आइटरेट करेंगे, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलने वाला है हमारा, कहाँ तक चलने वाला है, ये हमारा आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा, आई लेस देन एन, आई प्लस, सॉरी आई इज इक्वल टू 0 से नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमको कौन कौन से इंडेक्स चाहिए, आई माइनस 2 और आई माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू 2 से चला देते हैं, ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 और आई इज इक्वल टू 0, ये दोनों मिला के एक लाइन दे ही दे रहे हैं, तो उनसे हमको कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग x1 निकालेंगे, x1 हमारा किसके इक्वल आएगा, जो भी हमारा एरे ऑफ n माइनस, सॉरी i माइनस 2, इसमें हम क्या करेंगे, इसका जीरोथ एलिमेंट ले लेंगे, तो इससे x1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमको क्या चाहिए, सिमिलरली अगर हमको y1 चाहिए तो इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी किया, बस नाम चेंज करेंगे और इसको जीरो की जगह क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, और इसको क्या कर देते हैं, y1। डिफरेंस क्या आया, सिर्फ हम यहाँ पे जीरो थे एलिमेंट, क्योंकि स्टोर कैसे कर रहा है, x i y है, तो यहाँ पे जीरो पे x i और y1 पे y i। अभी हमने x1 y1 निकाला, अब सेम तरीके से x2 y2 निकाल लेते, इसको भी कॉपी पेस्ट, तो x2 हमारा क्या होगा, बेसिकली x2 हमारा होगा एरे ऑफ i माइनस 1 का जीरो, ठीक है, और सिमिलरली y2 क्या होगा, y2 होगा एरे ऑफ i माइनस 1 का 1। सिमिलरली अगर हम फिर से लिखते हैं हमारा x3 किसके इक्वल होगा, एरे ऑफ i का 0। सिमिलरली हमारा y3 किसके इक्वल होगा, y3 हमारा होगा एरे ऑफ i का 1। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया, x3 y3 x1 x2 y1 y2 और x3 y3, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, क्या कंडीशन है हमारी, फिर से y3 ध्यान रखिएगा, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा, माइनस y2, इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वाई थ्री माइनस वाई टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स टू इंटू किससे करेंगे, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन से, ठीक है। और इसको हम किससे चेक करेंगे, ये हमारा नॉट इक्वल आना चाहिए किससे, ये हमारा नॉट इक्वल आना चाहिए एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक है, एक्स थ्री माइनस एक्स टू। और इसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, इसको हम बेसिकली मल्टीप्लाई करने वाले हैं वाई टू माइनस वाई वन से, ठीक है। ये हो गया, अगर ये हमारा नॉट इक्वल आते हैं, नॉट इक्वल आते हैं मतलब ये वाला केस होगा, तो इस केस में हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और जैसे ही ये हमारा पूरा फॉर लूप खत्म होगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा काउंट मिल जाएगा, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट। तो ये था हमारा सिंपल सॉल्यूशन, इसे रन करते हैं और देखते कोई एरर तो नहीं है, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। और ये हमारा सैंपल टेस्ट केस के लिए रन हो गया, इसे सबमिट करते हैं और देखते माइट भी रिजल्ट हमारा सही आना चाहिए, लेट्स सी। और रॉन्ग आंसर है वन वन के लिए। तो अगर वन वन के लिए ध्यान से देखो, तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है वन वन, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, जीरो, एक पॉइंट के लिए नंबर ऑफ लाइंस जीरो। तो ये हमारा एच केस था जिसको हमको अलग से मेंशन करना था, तो इसको अलग से मेंशन कर देते हैं और फिर से सबमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको अलग से मेंशन करते हैं। इसके लिए क्या होगा, अगर हमारा इफ जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये हमारे पास वन है यानी एक ही पॉइंट है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी तब, जीरो। अब अगर इसे सबमिट करते हैं, अब ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा इस बार, और ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया, जो कि एक काफी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ओ ऑफ एन लॉग एन का बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसके अलावा अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।